नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मसूड़ों से पीप और खून निकलता है, मुंह से दुर्गंध आती है, दांत हिलने लगते हैं, कभी कभी मसूड़े सूज जाते हैं तो दर्द होती है, या फिर मसूड़े पक जाते हैं और उसमें से खून बहता है, वह कोमल और काले हो जाते हैं। पायरिया ज़्यादा पुराने होने पर मसूड़ों का मांस सड़ने लगता है तो दर्द होता है, दांत हिलने लगते हैं, खून और पीप हमेशा निकलने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं पायरिया ठीक करने के आयुर्वेदिक उपाय। पायरिया होने पर हीम तेल या इली मेदादी तेल या सरसों का शुद्ध तेल प्रतिदिन अच्छी तरह दांतों एवं मसूड़ों में लगाएं। कत्था या फिटकरी पानी में डालकर कुल्ले करें या नाथानी दंत मंजन लगाएं। गंधक रसायन और खदीर आरिष्ट का सेवन करें। इसके नियमित प्रयोग करने से पायरिया यानी दांत से खून आना ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि औषधि आयुर्वेदिक दवा दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त तक पहुँचाएं, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।